बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है वो यूनिट नंबर 15 का जो है कल आगाज़ कर चुके हैं। मैग्नेटिज्म, ये सारा जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म के बारे में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो रिलेशन है उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है वो मैग्नेटिज्म से होती है। जनरेटर जो है ये जो काम करता है वो मैग्नेटिज्म पे काम करता है, लेकिन अभी वहाँ पे हम नहीं पहुँच रहे, हम थोड़ा सा जो है वो पीछे हैं, जनरेटर पे भी जाएंगे। हमने जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो पढ़ा था, लर्न किया और लिखा है उसका। अब अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या चीज है। सबसे पहले उसकी लाइन फील्ड लाइन ऑफ फोर्स जो है वो निकल रही होती है वो नॉर्थ है, और जिस तरफ एंटर हो रही होती है, जिस तरफ एंटर हो रही होती है वो साउथ पोल बन जाता है। यानी हम जो है अगर हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रो मैग्नेट होता है, बाहर मैग्नेट है, अगर ये
साउथ है, तो जो है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो इस तरह ऐसे यानी यहाँ से निकलेंगी, ठीक है, और साउथ की तरफ जो है वो जाएंगी, ये सीधा, ठीक है, और ये यहाँ से जो है वो इस तरफ, ये जो है वो नॉर्थ से खारिज होंगी, ठीक है, और यहाँ से वो बाहर निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी। अब जैसे ही करंट डिस्कनेक्ट होगा तो उसमें से करंट जो है वो पास नहीं होगा। इसके बाद में हमने ये देखा है किस तरह जो है इसके जो है फर्स किया कि ये जो कॉइल है ये कॉइल इस तरह लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाएगी, ये जो है कॉइल को इस तरह मूव करवाया और करंट यहां से करंट की सप्लाई दी और साइड में जो है इस तरफ फ्लो कर रहा है। अब जो है करंट फ्लो कर रहा है तो क्या करेंगे कि हम इस तरह इसको कर लोंगे और ये जो साइड है ये जो है ये बताएगी करंट किस तरफ जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन जो है वो बता रहा है और करंट की डायरेक्शन करंट जा रहा है उस वो पोजीशन जो है वो नॉर्थ पोल होगा और जिस तरफ से आ रहा है वो साउथ पोल, अगर करंट इस तरफ आ रहा होगा तो फिर ये साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा। ये जो है सोलेनोइड में जो है वो करंट की डायरेक्शन और उसके जो है दोनों पोल्स के बारे में हम इस मेथड से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन। और कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस टॉपिक को, आपने जो है वो याद कर लेना है और इसको अच्छी तरह लिख लेना है। आपके लिए डिफिकल्ट होगा ये चैप्टर लेकिन लिखने के बाद